हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आज की इस नई वीडियो में। अगर आप इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इंडसइंड बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। आपको इंडसइंड बैंक से घर बैठे बैठे ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्योंकि आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही कम्प्लीट होता है। फिलहाल तो इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर आप जाएंगे, इंडसइंड बैंक ने खुद ये मेंशन कर दिया है कि हमने अपने काफी सारे क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री कर दिए हैं, मतलब बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड मिलने वाले हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये बेस्ट टाइम है इंडसइंड बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने का। तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड के लिए, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इंडसइंड बैंक के इस पेज पर आना होगा। इस पेज का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा आप इस पेज पर आ जाएंगे। मोबाइल कंप्यूटर कहीं पर भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। इस पेज पर सबसे पहले आपसे ये पूछेगा आपका पैन कार्ड नंबर और आपका मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। बस दो चीजें आपको इस पेज पर डालनी है, उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ से भी नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। इस पेज पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। क्या क्या डालना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको डालना है अपना फर्स्ट नेम जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको मिडिल नेम देने की जरूरत नहीं है, आपको देना है यहाँ पर लास्ट नेम। इसके बाद होगा आपका पैन कार्ड नंबर जो यहाँ पर पहले से ही फिल है। इसके बाद आपकी नेशनलिटी और इसके बाद आपका जेंडर, मेल है या फिर फीमेल है। जेंडर देने के बाद आपको देनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में है। अपनी डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी आपकी वर्क डिटेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो यही डिसाइड करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिलेगा या फिर नहीं। आपकी वर्क डिटेल में सबसे पहले आपसे ये पूछता है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब आप करते क्या हैं। आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, रिटायर्ड, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और स्टूडेंट। देखिए आपकी किसी कंपनी में जॉब है, आपको सैलरी मिलती है तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। आप कोई खुद का बिजनेस करते हैं तो उस कंडीशन में आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट का ऑप्शन है, तो भाई ये स्टूडेंट का ऑप्शन तो ये मान लीजिए कि इसमें आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो आपको सबसे पहले अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको देनी है अपनी ईमेल आईडी। इसके बाद आप डालेंगे अपना एरिया पिन कोड जहां पर आप रहते हैं। इसके बाद आप बताएंगे अपनी नेट मंथली इनकम, मतलब आपकी एक महीने की कमाई कितनी हो जाती है। बस ये चीजें आपको देनी है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को फिर आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको यहां से सीधा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप इस पेज पर आएंगे, इस पेज पर आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना होगा। क्या करना है, बस आपको अपने आधार कार्ड का नंबर ऊपर के बॉक्स में डालना है। इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको उसको वेरीफाई करा लेना है। इसके बाद आपका एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। ये आपसे पूछता है कि आपका ये करंट एड्रेस है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो अगर आप किसी और एड्रेस पर रहते हैं तो नो करके आप दूसरा एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। एड्रेस देने के बाद आप इस पेज पर आएंगे। इस पेज पर आपको वर्क डिटेल के बारे में कुछ और जानकारी देनी होगी, जहाँ पर सबसे पहले है कंपनी नेम, मतलब जो आपके बिजनेस का नाम है, जहाँ पर आप काम करते हैं वो कंपनी नेम देना होगा। उसके बाद आपको कंपनी टाइप सेलेक्ट करनी होगी और कंपनी का पूरा एड्रेस देना होगा। बस ये चीज़ आपको इस पेज पर देनी है और आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको किन किन क्रेडिट कार्ड के लिए इंडसइंड बैंक अप्रूवल दे रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पर मिला था लीजेंड वीजा का अप्रूवल और यहाँ पर साथ में था प्लेटिनम वीजा क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 1,65,000 रुपीज़ की मुझे लिमिट मिली थी, यहाँ पर मैंने लिया है प्लेटिनम वीजा क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो व्यू मोर डिटेल्स पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। जो भी क्रेडिट कार्ड आपको पसंद आता है, जिसको भी आप लेना चाहते हैं, तो उसके नीचे ही आपको गेट नाउ का बटन दिखाई दे जाएगा। आपको सिंपल गेट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर गेट नाउ पर क्लिक किया, इस पेज पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स देनी होगी, जहाँ पर सबसे पहले आपसे ये पूछता है एम्बोसिंग नेम। एम्बोसिंग नेम का मतलब होता है आप अपने क्रेडिट कार्ड पर क्या नाम प्रिंट कराना चाहते हैं। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं ये बताएंगे। उसके बाद आपका मदर नेम है, आपका फादर नेम है, और उसके बाद नीचे आपको नो यहाँ पर रहने देना है और उसके बाद आपको सीधा नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, इस पेज पर आपको गेट ओटीपी का बटन दिखाई देगा। गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई करा लेना है। इसके बाद आप लास्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब आपको करनी है अपने क्रेडिट कार्ड की वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी लास्ट प्रोसेस है, आपको वीडियो केवाईसी में घबराना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी के बटन पर क्लिक कर देना है। जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना है। इसके बाद इंडसइंड बैंक से एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा, वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा। ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने साथ रखना है वीडियो केवाईसी के दौरान। इसके बाद वो आपसे सिग्नेचर कराएगा, व्हाइट पेज पर, व्हाइट पेज अपने साथ रखिएगा, ब्लैक या ब्लू पेन के साथ में उसको
दिखा दीजिएगा सिग्नेचर करके। एंड इसके बाद वो बोल देगा आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, आपका कॉल कट हो जाएगा। इसके बाद आपको मैसेज भी मिल जाएगा इंडसइंड बैंक की तरफ से कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो चुका है। इसके बाद केवल एक हफ्ता लगेगा, क्रेडिट कार्ड आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा। बस दोस्तों ये पूरा तरीका है इंडसइंड बैंक से घर बैठे बैठे क्रेडिट कार्ड लेने का। सो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।